ग्वालियर शहर में आशा सहयोगी सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने वेतन वृद्धि में हुई कटौती के विरोध में मोती महल स्थित ग्वालियर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर सीएमएचओ ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। आशा सहयोगी एकता यूनियन ग्वालियर की अध्यक्ष लीला रेपुरिया ने बताया कि आज हमने ग्वालियर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है। मेरा नाम रजनी गुप्ता है। आज क्या प्रदर्शन हमारा आप जो करने आए, ज्ञापन देने आए? सभी लोग पेमेंट कटौती के बारे में और हर माह पेमेंट के बारे में यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि हम सभी आशा कार्यकर्ताओं को हर माह पेमेंट नहीं मिलता है। पेमेंट में कहीं ना कहीं कभी सॉफ्टवेयर की कमी बताते हैं, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हैं, कोई पेमेंट नहीं, कभी बजट प्रॉब्लम बताते हैं। हम लोग किस चीज़ कैसे अपना घर चलाएं? हर माह पेमेंट हमें भी चाहिए, हमें भी सैलरी चाहिए, तभी हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। आज क्या आश्वासन दिया है अभी सीएमओ साहब? अभी सीएमओ सर ने आश्वासन दिया है कि आपके पेमेंट पर निगरानी की जाएगी कि आप लोगों का पेमेंट टाइम पर हो रहा है कि नहीं। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे हम कलेक्टर साहब के यहाँ कलेक्टेड ऑफिस जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और काम भी सारे बंद कर देंगे, जो भी फील्ड के काम है हमारे, पल्स पोलियो अभियान है, दस्तक अभियान है, कोई भी सर्वे हम लोग नहीं करेंगे। क्या नाम आपका? रजनी गुप्ता। सर आज किस विषय में ज्ञापन देने आए आशा कार्यकर्ता? हाँ, आशा लोगों का बहुत जायज मांग थी। कुछ तो उनका ये था कि पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, पहली चीज कुछ था कि पेमेंट रुका हुआ है, तीसरा था कि कोविड की जांच एलटीटी केसेस में या फिर जो गर्भवती माताएं आती हैं उनका कोविड टेस्ट बाध्य ना हो, और कुछ और भी समस्या थी, किसी को एएनएम से कुछ समस्या थी, कुछ जो फॉर्म है उसमें वो चाह रहे थे कि सुधार हो, तो उस पर हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक इनकी समस्या को सुना है और बिल्कुल उनके हित में ही कार्य किया जाएगा। प्रशासन के जो निर्देश होंगे उसके अनुसार उनके हित में ही काम किया जाएगा। सर इनकी मांगे पूरी होने का कुछ कब तक इनकी मांग पूरी हो रहा? मैंने बताया उनका पेमेंट करना है, अक्टूबर का कुछ था, उनका पेमेंट रुका हुआ था, मैंने पता किया जो प्रभारी है उनसे, मैंने कहा था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उन्होंने भोपाल से ही बात कर ली है, वो संभवतः आज शाम तक क्लियर हो जाएगी, तो एक दो दिन का पेमेंट कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीला रेपुरिया है, मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। आज हम सभी आशा बहनें अपनी पेमेंट को लेकर यहाँ सीएमओ सर को ज्ञापन देने आए हैं, है ना, जो अभी हमारा पेमेंट कट कट के आ रहा है, अगर दो तीन दिन के अंदर नहीं आएगा तो हम जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे। कितने दिनों से पेमेंट कट कट के आ रहा है आपका? हमेशा ही कट के ही आ रहा है, हर महीने हमको पेमेंट कभी नहीं दिया जा रहा है। आज आप सीएमओ साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने दो तीन दिन का आश्वासन
आश्वासन दिया है सोमवार तक का, सोमवार तक आपका पेमेंट आ जाएगा, है ना। यदि पेमेंट वगैरह नहीं आता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हम सभी आशा कार्यकर्ता सीधे कलेक्ट्रेट जाएंगे, काम बंद करके, काम बंद करेंगे ना, हम LTT कराएंगे, जो LTT का टारगेट किया जा रहा है, और दस्तक अभियान आ रहा है, पल्स पोलियो आ रहा है, इसमें भी हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हम वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।